चुनाव आने से पहले ही आचार संहिता लगा दी जाती है। अब क्या कभी आपने सोचा क्या होती है ये आचार संहिता और इसे क्यों लागू किया जाता है? नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आचार संहिता को इंग्लिश में कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कुछ नियम बनाता है और इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। अब ऐसे समझिए, आचार माने होता है आचरण या चाल चलन और संहिता माने होता है नियम, यानी आपके चाल चलन वाले नियम, यानी नेताओं, अधिकारियों, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के भी जो इलेक्शन में चुनाव में होने वाले नियम होंगे, इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे भारत में और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में लागू कर दी जाती है। अब ये जानिए आचार संहिता के दौरान किन किन चीजों पर पाबंदियां होती हैं। सार्वजनिक उद्घाटन या किसी भी नए शिलान्यास पर रहता है बैन। किसी भी नए काम या नई योजना की स्वीकृति पर मनाही। सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगा सकती। सरकारी वाहनों से निकाल दिए जाते हैं सायरन और यहाँ तक कि किसी भी अधिकारी या पुलिस का ट्रांसफर होने पर भी आचार संहिता के दौरान रोक लगा दी जाती है। ज्यादा पैसा लाने या ले जाने पर भी मनाही और हथियार लाने या ले जाने पर भी रोक होगी और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति पर 188, 144 या 151 के तहत कार्रवाई हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।